पंडित जी आपको पता है जो आज अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? बताइए। ये है हम लोग जा रहे हैं मरीन ड्राइव। ये बिहार वाले लोगों का, पटना वाले लोगों का मरीन ड्राइव है। तो हम लोग मरीन ड्राइव के स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से निकले हैं और हम लोग एंड पॉइंट तक जाएंगे, जिसका कल माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने उद्घाटन किया है। ये पूरा जो दूरी है ये कितना है, यहाँ पर लिखे गांधी मैदान 6 किलोमीटर, पीएमसीएच 8, मतलब ऑलमोस्ट 8 से 10 किलोमीटर होगा ये उससे। हाँ, स्ट्रेच है। तो चलिए लोगों को दिखाते हैं ये स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक, कैसे कैसे क्या है। तो अभी तो पटना के तरक्की में आपका क्या लगता है, जो पटना ये इन सब चीजों से तरक्की करेगा? हाँ, करेगा, जरूर करेगा। कहीं भी डेवलपमेंट होता है तरक्की भी होगा साथ में। कहीं भी डेवलपमेंट होगा तरक्की भी होगा भाई साहब। अच्छा, गलत बोला। हाँ, तो गलत हम गलत थोड़े पूछ रहे, हम इन्हीं बोले, हम ये बोल रहे भाई साहब, जो आपका क्या प्रोस्पेक्ट क्या है यहाँ पर? बहुत उजागर है। अच्छा, प्रोस्पेक्ट बहुत उजागर है। देखिए, पहले होता था कि मैंने ड्राइव में लोग कहीं गाड़ी वाड़ी लगा लेते थे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बना दिया गया पार्किंग। अच्छा, पार्किंग का रेट है 20 रुपए भाई साहब। बेसिकली जो आपका ये इलाका हो गया जहाँ लोग गाड़ी पहले लगाते थे, हाँ हाँ, वो हो गया टो जोन। अच्छा, आप गाड़ी लगाइए तो टो हो जाएगा आपका गाड़ी। तो इससे क्या होगा, एक तो सरकार का इनकम शुरू हो गया। अरे वाह, लेकिन भीड़ भी कम हो गया, ऐसा काहे लग रहा है आपको? कुछ आइडिया है क्या? हमको लग रहा है क्या ना, जो लोग सब ना आजकल ना पार्किंग नहीं देना पसंद कर रहे हैं, ऐसे लोग जो मरीन ड्राइव 20 रुपया भारी हो गया। या हो सकता है, आज हम लोग वीकडे में आए हैं, आज वेडनेसडे है और एक तो सावन चल रहा है, तो यहाँ पर जो देखिए फूड काउंटर सब देखिए, यहाँ पर लोगों की भीड़ देखिए, तो यहाँ पर जो चीजें हैं, लोग जो खाने के लिए आते हैं, तो नॉर्मली नॉनवेज के, बिहार के लोग नॉनवेज के बड़ी शौकीन है, वेज के भी शौकीन है। लिट्टी चोखा तो हमारा फेवरेट है, लेकिन लिट्टी चिकन भी उसके साथ फेवरेट है। तो लोग हैं लेकिन उस तरह का भीड़ नहीं है। गाड़ी फिर भी लोग रोड पे लगा ही हैं। तो समझदार लोग हैं ना, इनका तो इनको तो कुछ नहीं कह सकते हैं ना। आंटी जी को देख लीजिए, अरे बहुत है, खतरनाक। अभी अभी सावन है, इसलिए उस तरफ ना देखा जाए। ना तो व्यूअर्स लोग को तो दिखा ही सकते हैं ना, थोड़े हमारा व्यूअर्स तो सावन तक ही सीमित है, वो तो बियॉन्ड है उसमें। तो देखिए, इसको सजाया बहुत अच्छी तरीके से गया है। और अभी सुनने में आया है जो गवर्नमेंट का प्लान क्या है, जिस रोड को और आगे बढ़ा के, जो बख्तियारपुर एक जगह है वहां पर 30 किलोमीटर पड़ता है, उस वहां तक लेके जाया जाए, और इसके दोनों तरफ ना वो जैसे मॉल्स, इस तरह के फूड कोर्ट्स, ये सब चीजें बनाई जाए। अच्छा, तो इस पर आपका क्या कहना है तरक्की को लेके? अच्छा, मतलब इस टाइप से जैसे एक फूड जंक्शन टाइप का, या मतलब रमणीय जगह बन जाए। हाँ, तो अच्छा है, मतलब क्योंकि अब बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, तो फिर थोड़ा सा। हम गुजरात में थे, तो गुजरात में क्या था, गुजरात में रात्रि बाजार लगता था, रात में 8 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक वहाँ पर लोग खाना खाने के लिए गुजरात आते थे। बड़ा यूनिक देखे हम। हाँ, इस भाई साहब को क्या हो गया, देखिए जरा, उनका गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। रेड लाइट है क्या यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, उनका कुछ इशू होगा भाई साहब, ऐसा इशू मत करिए जी। तो बीच रोड पर रुक के इशू सॉल्व कर रहे हैं, साइड करके इशू सॉल्व करना चाहिए। अभी फिर भी भाई साहब एकदम चल रहा है ना, कहीं भी रेड लाइट बन सकता है। तो रेड लाइट यहाँ पर नहीं है, नहीं होगा तो पुलिस का यहाँ पे डेरा जमावड़ा थोड़ा हो गया है। हाँ, तो वो इसलिए जो लोग जो रफ ड्राइविंग करते हैं, या बहुत सारा इस तरह का चीज मारने आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा सही। पागल हो गए क्या? अच्छा, ये तो उल्टी कर रहे भाई साहब, तो रुक के करने चाहिए ना। पी लिए होंगे। तो बिहार में बैन नहीं जी, बैन नहीं, पता नहीं। चलो आगे निकलिए भाई साहब, वो भाई साहब तो गाड़ी है पर उल्टी कर देते, हमारा हमारे थार के बिहार पर बैन। अरे ऐसा नहीं है, आदमी थे भाई, बीच बताइए, मैं फर्स्ट लेन में खड़ा होकर उल्टी कर रहा हूं। इसी ऐसे ही लोग को कहते हैं क्या पता, जुनरबी। हाँ, गजब का आदमी लोग है भाई साहब, बीच रास्ते में खड़ा होके। बड़ा लंबा स्ट्रेच हो गया नहीं, ये सब का देखिए, ये सब बंद है का बहुत सारे। अरे वाह, देखिए कितना बंद, इसलिए ये सब सारे ये होंगे ना, नॉन वेज वाले काउंटर होंगे, तभी वो क्या बेचेंगे अभी।
जब लोग सब यहाँ पर आ रहे हैं, जब बेजिक अभी सावन में वेज खाने के लिए, तो नॉनवेज वाले काउंटर पे क्या बेच सकते हैं वो, तो ये चीजें चल रही है। लेकिन एग्री करते हैं हम आपसे, गुड। ये देखिए आई लव मोमोज चल रहा है, वेज मोमोज यहाँ पर बढ़िया चल रहा है। देखिए मरीन मरीन ड्राइव का ये जो फूड वाला जंक्शन, देखिए लॉन्ग हैंग आउट सब लग गया, लोग हैंग आउट करने के लिए। देखिए गाड़ियां लगी हुई है, पार्किंग लग हो गया, सब पार्किंग है यहाँ पर, ये सब पार्किंग एरिया। तो यहाँ पर लोग पार्किंग एरिया के बाहर पार्क करके रखा है लोगों ने गाड़ी। थोड़ा सा इसमें पानी डाला जाए पंडित जी, तो थोड़ा सा वॉश होगा अच्छा से। हाँ तब क्या होगा ना, तब नया नया चीज दिखेगा, साफ सुथरा चीज दिखेगा। तो थार पे बिहार का आपको कैसे कॉन्सेप्ट आया ये समझ में बताइए, आप अपने गाड़ी में थार पे बिहार भी लिखवाया है ना। ये देखिए थार पे बिहार, अच्छा तुकबंदी है, तो हम लोग लोगों को गाड़ी है थार, हाँ है बिहार में, हाँ तो थार पे बिहार, लोगों को पूरा बिहार घूम घूम के दिखाना है अभी। तो आपका टारगेट क्या है, क्या क्या चीजें दिखाएंगे लोगों को? टारगेट बहुत है, लगभग पूरे बिहार का, हाँ इन पूरे दर्शन कराना, जब आप बिहार में कितनी अच्छी चीजें हैं, अच्छा क्या क्या है यहाँ स्पेशल। हाँ। लोग कहते हैं ना कि बिहार में काबा, हाँ तो बिहार में हमको दिखाना है कि काका नाबा, अच्छा तो वही सोचे दिखाने के लिए। हाँ। तो यही है कि मतलब अब ये चीज हम लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से कोशिश, लोगों का सपोर्ट मिले तो हम लोग और थोड़ा घूमे फिरे और ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाए। ऐसे ऐसे आपको एक ऐतिहासिक चीज बताते हैं, भारत के 10 ऐतिहासिक शहरों में बिहार जो है उसका छठा स्थान है, मतलब बिहार का पटना जो है उसका छठा स्थान है। अब आप समझ जाइए जो पटना कितना ऐतिहासिक है, मतलब भारत में इतने ऐतिहासिक शहर सब हैं, उसमें अपना पटना भी एक है। है तो एक किताब है प्रभात रंजन जी का सर, नहीं कौन लिखे हैं जो नहीं, वो अच्छा एक पटना खोया सर, हाँ अच्छा उसका आप रेफरेंस कोट कर रहे हैं ना, हाँ वो किताबों में उस किताब में बताया हुआ है जो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है। हमको लगता है मुगल टाइम से, हाँ इसका इतिहास मतलब तब से ही है, हाँ जैसे नजीमाबाद कभी बोला जाता था, कभी पाटलिपुत्र बोला जाता था, बहुत सारे बड़े बड़े राजा महाराजाओं का ये रहा है, ये मतलब राजधानी रही है ये। अच्छा हिस्टोरिकली जाइएगा तो होता क्या था, जरासंध जो थे, जरासंध जो था, जरासंध का ये क्या कहते हैं जगह हुआ करता था, अच्छा मगध, मगध जो था, यदि एकदम पूरा ना हिस्टोरिकली जाएंगे तो जरासंध, राजगीर में जरासंध का अखाड़ा भी है, वही हाँ वही अखाड़ा है जिसके बारे में कहते हैं जहाँ पर भीम और जरासंध के बीच में लड़ाई हुई थी, जो जरासंध का पैर उन्होंने तो मतलब पैर के बीच चीर दिया था और दो तरफ फेंक दिया था। होता क्या था ना, जो जरासंध जो था वो बहुत बदमाश था, तो जरासंध ये कहानी आपको मैं बता देता हूँ, जरासंध जो था वो बहुत बदमाश था। अब हुआ क्या था, जो जरासंध की जो बेटी थी उसकी शादी हुई थी कंस के साथ, तो कंस का वध कर दिया गया, तो जरासंध गुस्से में आ गया कृष्ण भगवान पर। तो जरासंध क्या करता था, हमेशा वो चढ़ाई करता था जहाँ पर कृष्ण भगवान रहते थे, कहाँ, द्वारका नहीं, द्वारका तो वो द्वारका की कहानी है, हाँ मथुरा, मथुरा में वो जो रहते थे कृष्ण भगवान, वहां पर बार बार जरासंध क्या करता था, जो बहुत सारे दुष्टों को एकत्र करता था और जाके मथुरा पे चढ़ाई कर देता था। इस तरह वो अनगिनत बार लड़ाई करता था। तो एक बार बलराम जी गुस्से में आ गए, वो बोले क्या कृष्ण भगवान को, ये तुम क्या लगा रखे हो, बार बार जरासंध आक्रमण करता है, एक काम करो जरासंध को मार देते हैं। तो कृष्ण भगवान बोले नहीं, जरासंध तो हमारा काम आसान कर रहा है। तो बोले क्या, जो कैसे भाई, तो वो क्या कह रहे, उन्होंने बोला भगवान कृष्ण ने, तो सारे पापियों को एक जगह एकत्र करता है, तब हमें मारने में मुश्किल नहीं होता है, इसलिए खैर। तो जरासंध के आक्रमण, तो जरासंध जब भी आक्रमण करता था, तो अब लड़ाई है युद्ध है तो उसमें नुकसान होता ही था, तो उसी से उन लोगों ने भगवान कृष्ण ने रातों रात ये जगह छोड़ के द्वारिका चले गए थे। तो हम लोग जो ज्योग्राफिकली देखिएगा तो राजगीर और उधर वहां से आक्रमण करना, यानी कि मथुरा यूपी में अभी जो है, तो वो जगह था, आक्रमण होते रहता था। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, फिर जरासंध का भी अंत करना था, तो भगवान कृष्ण जो है वो उनको लेकर आए, भीम को, भीम ने ललकारा जरासंध को, जरासंध युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ, मल्ल युद्ध, और मल्ल युद्ध बहुत दिनों तक चला और फाइनली जरासंध का वध कर दिया गया।
तो होता क्या था उसमें भी एक ट्विस्ट था, जरासंध जो था उसको ये जरासंध जब भी क्या कहते हैं मारते थे उसको भगवान कृष्ण, तो वो मतलब भगवान कृष्ण ये भीम तो वो आपस में जुड़ जाता था, फाड़ते थे तो उसको स्वाइप कर दिए तो वो आपस में नहीं जुड़ा, वो बहुत दूर फेंक दिए। तो ये तो पौराणिक कथा, तो पौराणिक कथा के हिसाब से जरासंध जो था ये है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण करके किताब है जिसमें सबसे पहली बार ये क्या कहते हैं आपको ये मिला है रेफरेंस बिहार का। फिर भगवान बुद्ध की धरती हुई, भगवान बुद्ध की धरती कहते हैं, महावीर की इन सबों की धरती है ये, यहाँ पर इन लोगों ने किया। अभी देखिए मरीन ड्राइव का जो हम लोग फूड सेक्शन था वो खत्म हो गया, अब हम लोग टूवर्ड्स आने वाले समय में पूरा मतलब बन जाएगा। हाँ वो इसी तरह से बना ही रहे हैं ना, अब हम लोग बढ़ रहे हैं पीएमसीएच की तरफ। अच्छा पीएमसीएच है पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। पीएमसीएच का क्या कॉन्सेप्ट है, जो अभी वो 5000 वेट का हॉस्पिटल बनने वाला है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। वो कहते हैं मतलब अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एलएनटी को मिला है काम। अच्छा, तो दो हेलीपैड भी बनेगा, तो हम लोग अभी दिखाएंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे में वो चीज दिखेगा आपको। जबरदस्त स्टेज बने, मतलब ये जो जगह है मतलब एक नाइट लाइफ के लिए बहुत अच्छी जगह, बस थोड़ा रहे कि पूरा पुलिस की मतलब मौजूदगी रहे और थोड़ा सा सेफ रहे, तो लोग घर परिवार के साथ आके यहाँ पे अच्छा नाइट आउट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम गुजरात में देखे, मुंबई में भी है शायद, मुंबई तो खैर रात भर जगह रहता है, लेकिन गुजरात में हम यही देखे कि लोग वहाँ खाना खा के और मतलब नजर आते हैं हर जगह आपको, 2 बजे भी 1 बजे भी लोग बाहर नजर आएंगे एक फैमिली टाइम वो करते हुए वहाँ पे। और कोई लड़कियां मतलब वहाँ का एक खासियत है कि भाई 2 बजे रात को भी एक लड़की स्कूटी लेके मतलब मूवी देख के और बिना किसी खौफ ऑफ का आ रही मतलब है जा रही है जा रही है, वो चीज देख के हमको बहुत अच्छा लगा एक तरह से। गुजरात में वो चीजें यहाँ भी आ जाए मतलब घर बेसिकली वही ना, घर परिवार वाले डरते हैं कि भाई वो करे, तो ऐसा माहौल यहाँ बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो हम लोग को सीधा चलना है, सीधे चलना है, रास्ता खुल गया नहीं, रास्ता खुल गया। पिछली बार हम लोग आए थे तो मतलब यही तक, यहाँ तक ब्लॉकेज था, उसके बाद ये अंदर था, तो ये चीजें थी। अभी आगे बढ़ रहे हैं वही, तो वो जो गाड़ी आ गई उनके पीछे पीछे हम लोगों को भी चलना है। अच्छा। ये रास्ता खुल गया, एक ही को दो रोड बना दिया है जब तक। हाँ, जब तक ये वाला कंस्ट्रक्शन सजाया बहुत अच्छा गया है, 15 अगस्त के कारण हमको लगता है। हाँ अब इसी तरह का रहेगा ये हमेशा, तो देखने में अच्छा लगेगा। एक चीज यहाँ का है मतलब यहाँ का क्या है, जो होल मतलब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हाँ मतलब यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी की जाती है लेकिन उसका मेंटेनेंस जो है ना थोड़ा सा कमी है उसमें। तो अगर मेंटेनेंस भी अच्छे से किया जाए उसका, कि अगर जो चीजें बनी क्योंकि उसमें पैसा लगता है ना, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, तो उसका मेंटेनेंस भी क्या, बेसिकली हमको तो लगता है थर्ड पार्टी को मेंटेनेंस का काम दे दिया, वो मॉनिटरिंग करना चाहिए, सरकार को खुद मेंटेनेंस नहीं करना चाहिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दी, इसके लिए भी गुजरात का एग्जांपल देंगे, वहाँ देखे शहरों का जो मेंटेनेंस है वो एक प्राइवेट वो बॉडी करती है। हाँ वहाँ के बस स्टैंड भी लगते हैं जैसे एयरपोर्ट। हम लोग गए थे याद है पहली बार हम लोग जब बड़ोदरा गए थे वहाँ के बस स्टैंड पे उतरे तब लगा भाई साहब कहाँ आ गए, मतलब देखिए स्वच्छ रखने का तो जिम्मेदारी हम ही लोगों के पर है, हम ही लोगों पर है। लोग जितना जागरूक होंगे, क्योंकि सफाई कर्मी देखा जाए तो सैकड़ों में है, ठीक है, लोग लाखों करोड़ों में है, तो अगर क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा अपना वो जिम्मेदारी रखे अच्छे से निर्वाह करे तो चीजें साफ रहेंगी। अब जैसे एक चीज तो हमको हम लोग को एक चीज हुआ है कि पहले के मुकाबले पहले हम लोग कुछ भी खाते पीते थे तो कहीं ऐसे गाड़ी का शीशा खोले फेंक दिए, टॉफी खा रहे हैं चॉकलेट खा रहे हैं तो उसका रैपर इधर ऐसे फेंक दिया, लेकिन अब एटलीस्ट थोड़ी सी जागरूकता आई है कि पहले फाड़ के हम फेंकने से पहले डस्टबिन ढूंढते हैं। ये चीज एक थोड़ी सी अच्छी बात हुई है। ये देखिए भाई साहब साइकिल से चल रहे हैं, हम लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, वेरी गुड। बॉडी है ही नहीं भाई साहब के पास, बॉडी तो हमारे पास बनाने के लिए मतलब मसल्स बन जाएगा तो दुबला पतला है। नहीं वही है, साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। हम लोग हर हाल मतलब बेसिकली अब देखिए हम ही लोग हैं, क्या करते हैं अपना घर का कूड़ा वो करते हैं अब रोड पे फेंक देते लाके, तो रोड कितना भी हो जाए सफाई नहीं हो सकती है,
क्योंकि हाँ अब सरकार को एक सुविधा, खैर आजकल तो हो गया है कि सुबह सुबह आपके हर मोहल्ले में लगभग वो आता है जो कचरा लेने, कचरा वाली लेकिन, लेकिन, लेकिन लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते पता है, कचरा उसको 30 रुपए देना रहता, लेकिन अब तो क्या किया ना गवर्नमेंट ने, जो आपके जो होल्डिंग टैक्स उसी के साथ उसको ऐड कर दिया, आप कचरा रोड पे फेंकिए चाहे कहीं भी फेंकिए पैसा आपको देना पड़ेगा। हाँ पहले क्या था, लोगों को बेसिकली वही करना चाहिए भाई आप सुबह का इंतजार कीजिए जितने भी कचरा, क्योंकि वो कचरा है जो प्रोसेस हो जाता है बेसिकली। हम आप जो कचरा अगर कहीं इधर उधर फेंक देते हैं तो वो जमीन में वही पड़ा रहता है, जैसे प्लास्टिक हो गया चाहे कुछ हो गया। भाई साहब यही यही है क्या? वो सामने भी चल रहा है, पीएमसी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रात में बहुत ज्यादा दिखेगा नहीं जैसे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ना, वो सामने सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो वाला। हाँ वो जो कंस्ट्रक्शन के लिए वो नहीं है लगा हुआ, एलएनटी का जो वो बड़ा सा है वहाँ पर, ये जो है लगा हुआ है ना, वो जो क्रेन लगा हुआ है यहाँ पर, बड़ा खुल गया है तो पूरा स्ट्रेच। इसके नीचे गंगा नदी बहती है पता है, मतलब बेसिकली ये पुल है, उधर पीछे जो आधा आधा है वो सड़क है एक तरह से मान लीजिए, तो उसका बेस मिट्टी है और इसका बेस पिलर है, तो बेसिकली ये गंगा पुल। अभी जब हम लोग चल रहे हैं पुल पे चल रहे हैं, इसको हम लोग पुल कह सकते हैं, ये पुल है, ये पुल पर है, तो एक टाइप से आके कोई भी नॉर्मल अगर राइड करे चाहे बाइक से चाहे गाड़ी से, स्ट्रेस बस्टर टाइप का मतलब फीलिंग आ रहा है कि मतलब अपना धीरे धीरे आराम से चलिए, स्ट्रेस आपका बस्ट होगा अगर आपको राइड का शौक है, अगर गाड़ी वाड़ी चलाने में अच्छा लगता है या अब तेज मत चलाइए, तेज मत चलिए आराम से चलिए, तो स्ट्रेस बस्ट होता है। अब कहीं आपको जाना नहीं, हम बेसिकली घूमने का मकसद से आए हैं, तो स्ट्रेस बस्टर हम लोग का वीडियो देखिए उसे भी स्ट्रेस स्ट्रेस बस्ट होता है। हाँ उससे तो बहुत होता है क्योंकि हम लोग तो बहुत चीज बोलते हैं, स्ट्रेस बस्ट होता है, सुनिए और स्ट्रेस बस्ट कीजिए अपना, सपोर्ट करते रहिए। ये चीजें जो है जैसे अभी हम लोग चल रहे हैं पुल पर, ये गंगा नदी पर है, अब ये आगे कितना दूर तक बना है, थोड़ा थोड़ा चमक रहा है वो तो दिखाई बिल्कुल, जो वो तो वही गंगा पुल है, गंगा पुल है। हम लोग लगभग वहाँ तक चले जाएंगे, लगभग जाएंगे, अभी पूरा नहीं जाएंगे, लगभग चले जाएंगे। मतलब ये तिरंगे की कतार कितनी अच्छी लग रही है देख के, जबरदस्त है भाई साहब। तो लोग कहते हैं ये भी पटना ही है और ये भी बिहार है, देख लीजिए यहाँ पर भी इस तरह का चीजें हैं, है तो बहुत कुछ यहाँ पे, लेकिन एक जो पुराने टाइम मतलब थोड़ा सा वो है कि हम लोग को थोड़ा सा वो कर दिया गया है, धीरे धीरे हम ही लोग हैं जिस जो उस काले को धीरे धीरे करके धोएंगे या मिटाएंगे। हाँ सबको सब लोगों को जो चीजें हैं वो पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स भी दिखना चाहिए लोगों को, कोई क्योंकि कोई भी मतलब चाहे कोई भी स्टेट हो भाई, अच्छा बुरा तो हर जगह होता है, तो यही है कि अच्छाई देखिए बुराई को इग्नोर कीजिए। बिहार में लोग देखिए वो स्टंट भाई, ये इन सब चीजों से ही ना दिक्कत है, ये भाई लोग सब स्टंट करने लगे, वो गलत है, तो वही एक्सीडेंट होता है। प्रॉब्लम क्या है ना, जो लोग गलती करते हैं वो बच जाते हैं, अब देख रहे हैं जा रहे हैं किसी का मारने ओढ़ने जा रहे, अच्छा लग रहा था। जो लोग स्टंट करते हैं वो बच जाते हैं, जो शरीफ लोग है वो बेसिकली उन्हीं की लग जाती है, जो मतलब वो कर रहे हैं आराम से गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं उनको उनकी लग जाती है, जो थोड़ा सा रफ ड्राइविंग करते हैं वो अपना तो काट कूट के निकाल लेते हैं। ये वो इन चीजों पे थोड़ा सा वो होना चाहिए। खैर यहाँ की पुलिस वुलिस शायद अब है तो बहुत सारा, पहले तो हम लोग आते थे तो बहुत ज्यादा था ये चीज, अब कम हुआ है, वो सीसीटीवी कैमरा लगने के कारण भी, सीसीटीवी कैमरा भी लगा है तो जिसके कारण से लोग जो है थोड़ा सा बदमाशी कम किए हुए हैं, इनको जाना आना उनका तो जाता है, जो जा रहे हैं आ रहे हैं उनका तो ठीक है भाई, ऑनलाइन बदमाशी मतलब बदमाशी करेंगे तो ऑनलाइन आ जाएगा, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है देख लेंगे, कैमरा बहुत लगा हम देखे, मतलब हम आए अभी मुजफ्फरपुर से, हाँ हर जगह हर तो उस पे कैमरा है लगा हुआ। अच्छा ठीक है, ऑटोमेशन एक तरह से अच्छा है, लोग थोड़े से मतलब क्योंकि पुलिस है तो चलिए थोड़ा इधर उधर आदमी बच के निकल जाता है, और कैमरा है तो अगर उसके सामने तो भाई वो फोटो खींचा साक्ष्य है, अगर सही साक्ष्य है और तो फिर तो आदमी का अपना आप रफ ड्राइविंग करेंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा, तो लेकिन रफ ड्राइविंग करें क्यों, आप अपना और दूसरे का जान जोखिम में क्यों डालें, सही बात, आराम से चलने का है भाई, कहीं से हम निकलते हैं कहीं पहुंचने के लिए है कि नहीं, अब ऐसा ना निकालिए कि भाई तो कहीं और पहुंच जाइए, क्या फायदा उससे, वही ना,
आप खुद परेशान, लोग दूसरे को भी परेशान करेंगे। अब प्रॉब्लम देखते हैं जैसे रेड लाइट है, ठीक है, सिग्नल मतलब वहाँ लोग मैक्सिमम कितना होता है, कहीं भी हम देखें इंडिया में तो 5 मिनट 10 मिनट का नहीं होता, नहीं 3 से 4 मैक्सिमम का तो 5 मिनट का है, मतलब कोई भी सिग्नल वहाँ 5 मिनट आप इंतजार नहीं कर पाते हैं। और मान ली सपोज रेड लाइट जंप कर रहे हैं, किसी को ठोक दिए या आपको कोई ठोक दिया, महीनों का फिर घर पे बैठी है, भाई 5 मिनट इंतजार कर लीजिए, इससे वही की महीनों घर पे बैठी है। अभी सोचता नहीं है इन चीजों पे, थोड़ा सा लोग इम्पेशेंस हो जाते देखते हैं। हम लोग मिलते थे कितना ज्ञान फूटता है भाई सब, देख रहे हैं कि हम लोग को जल्दी फ्रीक्वेंटली मिलते रहना चाहिए, है कि नहीं? ये बात भी आप बोले सही, इस बात का आपको नोट किया जाएगा, अब अगले महीने दिल्ली घुमाया जाएगा हमारे व्यूअर्स को, दिल्ली घुमा जाएगा। अभी इस बार अभी इस ट्रिप में पटना घूम, थार पे बिहार है और वहाँ पर क्या कहते हैं वहाँ पे वैगनार पे, वैगनार पे दिल्ली कर घुमा जाएगा, मेट्रो पे दिल्ली दिखा दिया जाएगा कुछ। देखिए भाई साहब थोड़ी ज्यादा ही जल्दी कहीं निकलना है, तो ये कौन सा तरीका हुआ इस तरह से ये करते हैं? देखिए बुलेट वाले भाई साहब मन पर बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पर लोग हैं यही रोक क्या कर रहे हैं, क्या पता है लोग उधर गए हुए हैं, ये चीज तो थोड़ा सा सही नहीं मानते हैं कि भाई आप ऐसे चलता पे, क्योंकि अगर दो सड़क होते तो मान लीजिए थोड़ा सा साइड में लगा सकते थे, अब एक सिंगल रोड है और उस पे आप साइड में खड़ा कर दीजिएगा तो एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। देखिए जबरदस्त लग रहा है, क्या हर बड़ी है लोगों में, देख लिया पुल। हम लोग आते थे तो मुझे याद है जब भी हमको लगता है पुल आते थे तो हमेशा बनता रहता, लेकिन बन गया मेरे हम लोग के आंखों के सामने और गंगा तो बड़ा अच्छा लगा देख के। हम लोग कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां पहुंच गए जी, अब समापन की ओर चल रहे हैं हम लोग। अब ये गांधी सेतु है वहाँ से, हाँ कहाँ तक गया है वैसे वो, वही हमको भी नहीं आइडिया है कहाँ तक गया हुआ है, तो वो लोग जाके बख्तियारपुर तक ले जाए ना, अभी बख्तियारपुर तो 40 किलोमीटर है, वो तो बहुत दूर है, तो यही जाएगा क्या? इधर से एक्सटेंड होते हुए जाएगा, जबरदस्त व्यू, जबरदस्त होगा मान लीजिए। हाँ गंगा जी, गंगा मैया बगल में बह रही हैं, आप आराम से धीरे धीरे गाड़ी चलाइए। हाँ गाड़ी रात का समय तो इसलिए नहीं है, एक दिन दिन में भी लोग हम लोग इस तरह का वीडियो बना के दिखा दिया जाएगा कि बगल में कैसी लगती है गंगा मैया। लेकिन अभी ये जो पुल दूर से आप बोले थे दिखाने के लिए, ये रहा गांधी सेतु पुल, पूरा स्ट्रेच हमने बेसिकली दिखा दिया है, जो मरीन ड्राइव का जो पूरा, हाँ इसको मरीन ड्राइव कहिए, मरीन ड्राइव जहाँ से स्टार्ट हुआ है और अब जहाँ पर खत्म होने वाला है वहाँ पर ले जा रहे हैं, बाकी आगे हमको लगता है कंटिन्यू बहुत आगे तक हो रहा है ना, हाँ हो रहा है फ्यूचर में, फ्यूचर में दिखाया जाएगा फिर अगला एक, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर समापन होने वाला है अब यहाँ पर। ये गांधी सेतु, गांधी सेतु, अच्छा इसमें कनेक्शन नहीं है, नहीं कनेक्ट, इसमें एक और चीज कर किया जा सकता है। हाँ। लेकिन अभी और शायद हमको लगता है वो ऑप्शन नहीं है कि इसको अगर थोड़ा सा एक कट मार के हाँ। ऐसे गोल घुमा के ऊपर चढ़ा दिया जाता ना गांधी सेतु पे, हाँ। तो कम से कम बहुत सारा ट्रैफिक जो है वो इधर से डाइवर्ट है ना, आगे से रास्ता तो है ना, लोग तो चढ़ ही सकते हैं ना, इससे डायरेक्ट चढ़ने के लिए नहीं, ये गांधी सेतु से नीचे होते हुए हम लोग जा रहे हैं, गांधी सेतु से नीचे होते हुए जा रहे हैं, घाट जा रही है, हाँ, वही पटना सिटी और क्या था वो, हम लोग नीचे को जाना पड़ेगा, हम लोग वापस ना वापस हम लोग वहाँ लग के इसी रास्ते से वापस चल लेते हैं, हम लोग नीचे जाएंगे यहाँ बंद हो गया, बंद हो गया, अब ये डेड एंड आ गया, डेड एंड आ गया, कंटिन्यू हो रहा है, तो इतने देर तक हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आगे भी कंटिन्यू हो रहा है बेसिकली, ये आगे आगे तक जाएगा, ये आगे जाएगा देख लीजिए, समापन करते हैं नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट लेवल पे आपको दिखाएंगे कि हाँ ये कब आगे कहां तक जाएगी, हाँ फिर लंबा स्ट्रेच मारा जाएगा, चलिए तब एंड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए नमस्कार नमस्कार।